तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो अभी मैं बाल काटने जा रहा था, वैसे ही मानसी बाप रे मैं भी जाऊंगी बोल के बोलने लग गई। ये देखो पत्ता, फिर से पत्ता लेके आ गई। ये पत्ता तो आज ही पत्ता कहाँ पर है? तो ये पीछे मेरे पीछे पड़ गई, मैं भी जाऊंगी। और अभी जब मैं स्कूटी निकालने लगा जाने के लिए, तो मानसी बोलने लगी कि मोमो खाने जा रहे हैं हम लोग मोमो। तो अभी इसके लिए मोमो खरीदना पड़ेगा। Which one do you want? I want this one. Okay. Thank you. मानसी मोमो खाएगी? मोमो मानसी। And this one. Okay, thank you. Take it, Mansi, hen. See, hen is over there. तो वहाँ पर मुर्गी आ गई पड़ोस की। थोड़ा गेट खोला था मैंने स्कूटी निकालने के लिए। क्या बोल रही है? देखो मुर्गी, ये पड़ोस का मुर्गी है। अभी ये घास वास खाने आई है, तो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाने देंगे, घास खा ले। मुर्गियाँ घास भी खाती है, आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम। देखो छोटा बच्चा भी है उसका, लेकिन मुर्गियाँ घास भी खाती है। कीड़े घास ये सब खाती है। उसके तीन बच्चे देखो मुर्गी के, ये चार बच्चे काले काले सब। ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, देखने में तो ये भी फीमेल ही लग रही है। ये फीमेल, इसे कहते हैं कोयलर। ये देसी नहीं है। कैसे पता चलता है कोयलर? टांगों से पता चलता है। इनका जो टांग है ना मोटा मोटा होता है। ये देखो इसका टांग मोटा है, और वो वाला देसी मुर्गी है, बहुत महंगा है। हमने पाला नहीं है यहाँ पर मुर्गी, ये पड़ोस का है, ये आ गए घास खाने। मैंने गेट खोला था स्कूटी निकालने के लिए, घुस गए। गंगा निकाल दो इन्हें, पता नहीं। ये मैंने देखो यहाँ पर मैंने वो लेके आया था, क्या बोलते हैं, अनार होता है ना, अनार लेके आया था जब मैं घर पे, जब गंगा खा रही थी, जब एलेक्स पेट में था, ताकि आयरन खून की कमी ना हो, क्योंकि अनार में बहुत आयरन होता है जिससे हमारी खून बढ़ता है। तो उस बीज को, जो अनार था उसमें से मैंने बीज निकाल के उसको एक सूती के कपड़े में डाल के उस पर पानी स्प्रे करता रहता था, जिस वजह से ग्रो होने लग गया ना, उसमें से वो आने लग गया, जड़ आने लग गया। और देखो उसको मैंने ज़मीन में लगाया, देखो कितना बड़ा हो गया अनार। ये अनार के पौधे हैं तीन, मैंने लगाए हैं। देखो ये जब बड़ा होगा इसमें बहुत अनार लगेगा। तो मैं घर से लेके आया था पौधा, एक्चुअली मैंने गमलों में वो किया था, लगाया था अनार के पौधे। वो गमला भी इधर ही कहीं होगा, मैं गमला के साथ में लेके आया था जब मैं इधर रेंट में रहने आया, तो गमला के साथ में लेके आया। और जब मैंने इधर लगाया तो देखो अभी कितने बड़े हो गए। यहाँ पर जब होगा तो अनार बड़ा हो जाएगा। मानसी मुर्गियों के पीछे भाग रही है। मानसी बाहर निकाल दे, गेट खोल दो, गंगा गेट खोल दो, निकाल दे मानसी बाहर, जा। तो अभी मैं बाल काटने जाऊँगा, तो मानसी मेरे पीछा करते जा। देखो बोल रही मैं लायन बन रही हूँ। गया। ये वाला, दिस वन ऑल्सो, मानसी दिस वन ऑल्सो, बोल रही मैं लायन बन रही हूँ। मानसी ये भी निकालना है, दिस वन ऑल्सो, जा। घास खा लिया है इन्होंने, तो अभी इन्हें निकाल देते क्योंकि बहुत गंदगी मचाएंगे फिर। जा। अरे ये तो गंगा, जा। अभी इन्हें छोड़ देते, गेट खुला रख के जाएंगे हम लोग, ये लोग निकल जाएंगे। मानसी कम, लेट्स गो, चल लेट्स गो। तो जाते हैं अभी, और मानसी के लिए मोमो भी खरीद दूंगा मैं। बेबी इज गॉन, कौन सा बेबी? हाइड एंड सीक, डोंट गो देयर, उधर मत जा। क्योंकि ना जब गर्मी का महीना था ना, तो यहाँ से इतना बड़ा कोबरा सांप ऊपर जाके, यहाँ से आते हुए एक कोबरा सांप इतना बड़ा था, वहाँ से ऐसे आते गंगा ने देखा, तो ऐसे आके ये जो छेद है यहाँ से होता हुआ
ये बाहर की तरफ निकल गया। किस किस तरफ? बाहर की तरफ नहीं, ये 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 अंडरग्राउंड है, सीधा जाके इस खेत में निकलता है। देखिए तो वो जो सांप है वो यहाँ से घुस के सीधा अंडरग्राउंड यहाँ इधर चला गया। चल मानसी अब चलते हैं। तो अभी मैंने बाल काट लिए और दाढ़ी भी काट लिया, तो यहाँ पर हम जो देख सकते हैं चारों तरफ चल रहा है इज़राइल पैलेस्टाइन, इज़राइल पैलेस्टाइन, इज़राइल पैलेस्टाइन। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी न्यूज़ सुना जा रहा है। हमस को बहुत मदद करता है इज़राइल, सब कुछ देता है, होटल देता है, इलेक्ट्रिक देता है, पैसा देता है, सब कुछ देता है। ठीक है भैया, थैंक यू। हमला किया इधर, तो चारों तरफ चल रहा है इज़राइल पैलेस्टाइन, इज़राइल पैलेस्टाइन। काफ़ी लोग अभी इज़राइल पैलेस्टाइन, इज़राइल पैलेस्टाइन देख रहे हैं और दुनिया भर में हर न्यूज़ कवर कर रहा है इस घटना को। लेकिन बहुत से लोग एक बात नहीं जानते और वो बात ये है कि बाइबल में इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही बता दिया है। और अगर आप लोग मेरा दूसरा चैनल देखते हैं तो उसमें मैंने बता रखा है इस विषय में, इज़राइल और पैलेस्टाइन के विषय में। और अभी अभी खबर मैंने सुना, मैं बाल काटते काटते सुन रहा था कि ईरान जो है, ईरान भी धमकी दे रहा है इज़राइल को। ओके, अभी जो सऊदी अरब है उसने करीबन $2 मिलियन दिए हैं किसको? हमास को, जो आतंकवादी संगठन है उसको दिए हैं और सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे करते करते ईस्ट से, मैंने जो बाइबल का भविष्यवाणी है उसमें बताया है कि ऐसे करते करते ईस्ट से बहुत से लोग क्या करेंगे, हमला करेंगे। ओके, कहाँ पर? इज़राइल पर। और उसके बाद में शांति की वाचा बांधने के लिए एक व्यक्ति इकट्ठा, मतलब एक खड़ा होगा एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति शांति की वाचा बांधेगा इन सब मुस्लिम कंट्रीज एंड इज़राइल के साथ। फिर उसके बाद में क्या होगा हम जानते हैं ना, सब कुछ बताया गया है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे ही करके अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम जाएंगे और वहाँ से जो मोमोज है वो लेंगे और उसके बाद में मानसी को देंगे। अभी मानसी बोल रही थी कि मोमो मोमो, मेरे को मोमो खाना है। तो अभी मानसी को मैंने अपने माँ के घर में छोड़ दिया है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मोमो दुकान। तो भैया से मैंने बात की और भैया बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार पूछ लेता हूँ हुआ कि नहीं। भैया थोड़ा टाइम लगेगा क्या मोमो, वेज मोमो? थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लगभग कितना टाइम लगेगा अभी? 5 मिनट्स। तो यहाँ पर मोमो ये देखिए इसके अंदर है, और मैं एक बार मैं एक बार दिखाता हूँ। दो प्लेट भी दे देना है ना। देखिए गरम गरम मोमो, अभी फ़िलहाल टाइम लगेगा, होने दीजिए, बनने के बाद मानसी के लिए लेके जाऊँगा, तब तक मैं इंतज़ार करता हूँ इधर ही। तो यहाँ पर मानसी के लिए मोमो रेडी कर रहे हैं, और चटनी तो खाएगी नहीं वो, इसलिए उसके लिए वो लेके जाएंगे क्या सॉस। यहाँ पर सॉस डाल रहे हैं, ये वेज है 20 रुपीज़ का। कितना पीस भैया? 8 पीस, 20 रुपये का 8 पीस वेज। और नॉन वेज कितना? 8 पीस। प्राइस? 30। चिकन नॉन वेज 30 रुपये 8 पीस, और 20 रुपये वेज पीस 8 पीस। तो ये है तो ये है वेज मोमो। और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भैया किस तरीके से टाइपो बनाते हैं, वो बड़ा वाला उस दिन मैंने खाया था ना। भैया एक बार बांध के दिखा दीजिए कैसे बांधते हैं। तो अभी भैया बांध के दिखाएंगे, देखो इस तरीके से लिया जाता है आटे को। ये जो आटा है इसमें ईस्ट डाल के उसको एक दिन के लिए रखते हैं, उससे क्या होता है वो थोड़ा फूल जाता है। तो इस तरीके से भैया बेल रहे हैं। ये है टाइपो बड़ा वाला मोमो। वेज टाइपो, ये वेज टाइपो है, इसमें सोयाबीन और गोभी, बंद गोभी वो सब डाला है। और इस तरीके से देखो
ये बन गया टाइपो। देखो यहाँ पर और भी बना के रखा है, मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से, और जब ये पकेगा तो इतना बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। ये ब्रेड की तरह इसका टेक्सचर होगा, जो बाहर वाला है स्टीम्ड ब्रेड। अभी भैया एक और बना रहे हैं, एक और थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए इस तरीके से इसे बेल रहे हैं। अब इसमें मसाला भरा जाएगा, इसका मसाला सोयाबीन और कैबिज ये सब, और अदरक ये सब डाल के बनाते हैं। ऊपर वाला ऐसा डाल के थोड़ा सा तेल लगाया नीचे, आपने देखा होगा थोड़ा सा नीचे तेल लगाया, इसमें तेल है लगा के ताकि चिपके ना। बस अच्छे से जब ये पक जाएगा तब करेंगे। ये एक 10 रुपये का है, तो मैंने भी ले लिया है अपने लिए एक टाइपो, घर पे जाके खाऊंगा। इसमें हल्दी ना, इसमें डाल दीजिए, इसी में घर में जाके मानसी और मैं खाएंगे। वेज हो नहीं? हाँ वेज 10 रुपये, और चिकन 20 नहीं, चिकन 20 टाइपो भी। तो हो गया है, अभी चलते हैं घर पे, भैया को पैसे दे देता हूँ। तो आप लोग भी आइए कभी, खिलाऊंगा आप लोगों को टाइपो बड़ा वाला मोमो। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और मानसी को मैंने मोमो दिया है। ये देखिए मानसी, मोमो खाओ। इसमें मैंने सॉस डाल दिया है, और मैं अपने लिए लेके आया ये, उन्होंने दिया तीखा वाला भैया ने। हाँ पीरो, दिस इज़ हॉट सॉस, ये हॉट है, हॉट सॉस है। और ये जो है ये वही है जो मैं बोला था टाइपो, ले ले उसको भी दिखाओ। बोल रही है देखो मोमो खा रही है मानसी, मोमो खाऊंगी बोल रही थी इसलिए मैं लेके आया। जय मासी, इधर देख के बोलो मानसी, लुक हियर एंड से जय मासी, गुड गर्ल। ये मानसी का पानी, मेरा पानी, हम लोग साथ में बाप बेटी साथ में बैठ के खा रहे हैं। दिस इज सोयाबीन, उसमें सोयाबीन भी डाला होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कुंग फू पांडा जो मूवी है उसमें ऐसा खाते हैं। वो ऐसा खाता है ना, ऐसा वाला बन, बन बोलता है एक्चुअली, ये फील्ड होता है अंदर अंदर इसका, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। इधर इधर है, इधर है मानसी का पानी, इधर है मानसी, ये रहा, हियर इज योर वाटर। इधर इधर वो अपना पानी लेने गई थी दौड़ के, ले दिस इज योर वाटर ड्रिंक। खा खा, दिस वन्स योर्स। यस नो, टांग से मत कर, खा ड्रिंक मत करना टांग से, नो दिस वन, या आई नो दैट्स माइन। तो ये देखिए ये कुंग फू पांडा वाला है, तो सॉस इसमें डालते हैं, खोलता हूँ इसको। इतना काफी है, बचा हुआ रख दूंगा। कम टू प्ले, खा तू मोमो, खा मोमोस, खा मोमो, खा। तो कुंग फू पांडा वाला मोमो एक बार थोड़ा फाड़ के दिखाता हूँ। देखिए जो मसाला भैया ने भरा था, देखिए इसके अंदर सोयाबीन, प्याज और आपका बंद गोभी, बंद गोभी होता है ना वो है। तो इसमें ऐसे करके लगाएंगे, और थोड़ा इधर घूम जाता हूँ। इसका प्राइस ओनली 10 रुपीस, 10 रुपये। और ये मानसी जो खा रही है वो 20 रुपये। खा खा, चलिए लेट्स स्टार्ट। धन्यवाद सर्वशक्ति परमेश्वर, तूने जो भी दिया इसके लिए तुझे धन्यवाद चढ़ाओ, यीशु प्रभु के नाम में आमेन। देखिए चटनी लगाते फिर से, काफी तीखा है लेकिन बहुत टेस्टी है।
कभी आप भी, आप लोग भी टाइपो खाओ, टाइपो बोलते इसको, टाइपो। कलर देखो कैसा लाल है, बहुत तीखा है। लेट्स हैव सेकंड बाइट गरीब बुक बैंग। हाँ हाँ हाँ, इट्स हॉट बोल दिया, रख उधर गिर जाएगा। ईट ईट, हाँ इट्स हॉट, खाना है वो, इट्स नहीं नहीं इट्स नॉट हॉट, ये ना केचप है, केचप सॉसी सॉसी पीरो था ही ना सॉसी, दे दे। यम्मी है, यम्मी यम्मी, ओके यम्मी सॉस ठीक है, ठीक है। गिराना मत इसको, ऐसे हो थोड़ा मसाला गिर गया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लमो। बहुत तीखा है लेकिन मज़ा, टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। देखिए चलिए खाते कंग फू पांडा वाला बन, टाइपो मुकबैंग। मुकबैंग क्या? मुकबैंग मुकबैंग, ये मुकबैंग बोल रही है ये भी। यम्मी, अभी लास्ट बाइट और मैं ख़त्म कर दूंगा पूरा। ये देखो सॉस, सॉस नहीं मसाला, ये ले ले, ये भी दिखा रही है, ये देखो खा। हो गया हो गया, हाँ ईट नाउ। चटनी बहुत अच्छा है, इसमें जो ग्राउंड नट होता है, ग्राउंड नट, मूंगफली, मूंगफली सूखी मिर्च और नमक वमक डाल के बनाया है चटनी, बहुत अच्छा है टेस्ट। थोड़ा बहुत लहसुन का भी टेस्ट आ रहा है, पता नहीं है कि नहीं, देखो कैसा लाल लाल। अभी ये लास्ट बाइट में ख़त्म कर दूंगा मैं ये पूरा, देख लो। पीड़ो बनाए के हिंदी नो, यू इट, मुझे टमाटो सॉस वाला अच्छा नहीं लगता है, तू खा। नहीं खाऊँ, इट्स नॉट हॉट, इट्स नी सॉसी, इट्स 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 नॉट चिली, इट्स सॉसी। तू खा, हाथ देखो, ये पूरी मिर्ची है। हाँ मैं हॉट बनाई की हूँ, अरे मैं हॉट बनाई की हूँ, इसका हिंदी हंसी आ रहा है, इसका हिंदी सुन। हेरो ईट नाउ। तो अभी जाता हूँ मैं, अपना हाथ धोता हूँ, काफ़ी तीखा है। तो एक दिन कैसे बनाते हैं इसे, ये कंग फू पांडा वाला बन टाइपू, आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। इस हाथ से कैमरा नहीं छू सकता अभी, बहुत तीखा है। खैर इतना ही था आज का ब्लॉग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब इस में से आप सबको आशीष दे, तब तक के लिए जय मसीह की। बाप रे देखो कितना तीखा, मानसी से बाय बाय, लुक मी, लुक एट मी, आई एम ईटिंग आइसक्रीम, नो दैट्स नॉट आइसक्रीम, आई एम ईटिंग आइसक्रीम बोल रही, आइसक्रीम नहीं है।
आई एम ईटिंग मोमो. अब इसको खिलाना पड़ेगा. मैं इसको खिलाता हूँ. खाएगी नहीं. ले खा बेटा, खा बेटा, खा. ऐसा मत कर. डोंट प्ले विथ योर फूड. ले ईट. ये नहीं खिलेगी अब. ये खाएगी नहीं, मैं जानता. अभी ऐसे करेगी, तोड़ तोड़ के फेंकेगी. यू आर ईटिंग बेबीज फूड. खैर मानसू जी बाय बाय बोल दे. ठीक है, मिलते अगले वीडियो में. क्या लुक मी ये रखने नहीं देती. मैं रख रहा हूँ. बाय बाय.